जो काम दबा नहीं कर सकती दुआ कर देती है, ये बात आज सच साबित हो गई। पूरे देश की दुआएं काम आई और राजू श्रीवास्तव की तबीयत 21 दिन बाद 60% सही हो गई। डॉक्टरों को जागी उम्मीद, जल्द पूरी तरह होश में आएंगे राजू श्रीवास्तव। देखिए क्या है राजू श्रीवास्तव के स्वास्थ्य की पूरी अपडेट और क्यों खुश हुए उनके प्रशंसक। एम्स दिल्ली में भर्ती कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत बीते 3 दिनों से स्थिर है। आज 21वें दिन उनकी तबीयत काफी दुरुस्त हो गई है। राजू श्रीवास्तव 60% ऑक्सीजन नेचुरल ले रहे हैं और बॉडी को 40% ऑक्सीजन वेंटिलेटर सपोर्ट से दी जा रही है। अब ऑक्सीजन मुंह से ना देकर गले से दी जा रही है, गले में कट लगाकर ऑक्सीजन दी जा रही है। वहीं उन्हें रोजाना लिक्विड डाइट दी जा रही है। उन्हें नली के जरिए आधा आधा लीटर दूध और जूस दिया जा रहा है। उन्हें यूरिन पास और मोशन भी हो रहा है। उन्हें होश में लाने के लिए डॉक्टर्स हर प्रयास कर रहे हैं। वहीं ब्रेन के अपर हेड में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए न्यूरो फिजियोथेरेपी का सहारा भी लिया जा रहा है। आपको बता दें कि राजू की बॉडी में लगातार मूवमेंट बढ़ रहा है। अब वे खुद से ही अपने पैरों और हाथों को मोड़ रहे हैं। हालांकि वे होश में नहीं है, संक्रमण के चलते बॉडी में मूवमेंट बिल्कुल बंद हो गया था, लेकिन अब धीरे धीरे मूवमेंट बढ़ रहा है। डॉक्टर्स उन्हें अच्छा सुधार मान रहे हैं। राजू श्रीवास्तव की सेहत को लेकर मुख्यमंत्री के ODS दिनेश सहगल ने जानकारी ली है। उन्होंने CM योगी से बात की, एम्स के डॉक्टर्स और उनकी पत्नी से कराई। वहीं दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी राजू के इलाज को पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं और लगातार एम्स के डॉक्टर से अपडेट ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।